बहुत से बच्चे विद्यालय, घर एवं दोस्तों के साथ अलग-अलग भाषाओं में बातचीत करते हैं। इस वीडियो श्रृंखला का उद्देश्य शिक्षक शिक्षिकाओं को निम्नलिखित पहलुओं को समझने में मदद करना है। किस तरह से अलग-अलग भाषाएं किसी जगह, लोगों के समूह एवं एक बच्चे को समझने के हमारे तरीके को आकार देती हैं। औपचारिक एवं रोजमर्रा के जीवन में बोली जाने वाली विविध भाषाएं कैसे बच्चों के स्वयं को अभिव्यक्त करने के आत्मविश्वास को आकार देती हैं। हमारे पढ़ाने का तरीका बच्चों के भाषा कौशल एवं विभिन्न भाषाओं के स्वतस्फूर्त प्रयोग को किस प्रकार आकार देता है? अगर बच्चे की स्वाभाविक या घर की भाषा स्कूली भाषा से अलग हो तो कैसे पूरे स्कूल को एकजुट होकर काम करना चाहिए? ये वीडियो श्रृंखला स्व अध्ययन के लिए है। इस श्रृंखला में 4 मॉड्यूल हैं। हर मॉड्यूल में 4 इकाइयां हैं जो बहुभाषावाद से संबंधित विशिष्ट विषयों पर जानकारी देंगी। इस मॉड्यूल का उद्देश्य शिक्षकों शिक्षिकाओं को इन विषयों के बारे में जानकारी देना है। भाषा के तत्व, भाषाई दक्षता, अभिव्यक्ति की भाषा, ग्रहणशील भाषा, ध्वनि संबंधी जागरूकता, शब्दों की संरचना संबंधी जागरूकता, वाक्य विन्यास संबंधी जागरूकता, भाषा के प्रति सचेत होना, समानताओं और असमानताओं पर ध्यान देना, रोल मॉडल आदर्श, भाषा की गुणवत्ता और भाषा की मात्रा, स्कूल में दाखिला लेते समय भाषा, पूर्व ज्ञान और कौशल। इस मॉड्यूल का अध्ययन करते हुए कृपया इस बात पर गौर करें कि एक बहुभाषी बच्चा किस तरह से भाषा के संपर्क में आता है। जिन स्थितियों में बच्चा नई भाषा के संपर्क में आता है उसे भाषा से संपर्क कहते हैं। बच्चे के आसपास के लोग जैसे कि शिक्षक, माता पिता, भाई बहन और दोस्त भाषा के प्रयोग के मामले में बच्चे के आदर्श होते हैं। ये आदर्श रोल मॉडल भाषा को संचार के लिए किस प्रकार प्रयोग किया जाता है इसे दर्शाते हैं। भाषाई संपर्क कितना हो रहा है ये भी भाषा सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भाषा की समृद्धता और गुणवत्ता भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षक द्वारा कई अनोखे एवं नए नए शब्दों का प्रयोग बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली भाषाई संपर्क का एक उदाहरण है। बच्चा संसर्ग और संपर्क के माध्यम से भाषा सीखता है। हाँ, बच्चे कई जगहों से भाषा सीखते हैं, अपने घर पर, अपने समुदाय में सामाजिक मेलजोल के दौरान और शिशु गृह, क्रेश, प्री स्कूल और प्राथमिक विद्यालय जैसे संरचित वातावरण में। पाटिल के जानवर सिंह जी के खेत में लगी सब्जियां खा जाते हैं। मैं पहली बार पंचायत की सभा में आया हूँ। हमारी रेलगाड़ी में कितने यात्री हैं? चुक 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 चुक। चलो 8 पहियों वाली गाड़ी बनाते हैं। मैं अपनी नाव के पाल को तुम्हारे ट्रैक्टर की तरह हरा बनाऊंगा। केम छो मोटा भाई? ए मोटा किसको बोला रे? हो ये कोए? अरे नहीं, एल्डर ब्रदर्स आर कॉल्ड मोटा भाई इन अ लैंग्वेज। बिल्ली खड़ी होती है, धीरे धीरे चलती है, खुद कर चली जाती है, अंगड़ाई भी लेती है, उबासी लेकर ढलती है और धीमे से सो जाती है। बिल्ली खड़ी होती है, धीरे धीरे चलती है, कूद कर चली जाती है, अंगड़ाई भी लेती है, उबासी लेकर ढलती है और धीमे से सो जाती है। हालांकि कुछ शिक्षकों को ये लग सकता है कि स्कूल की भाषा के बारे में बच्चे के ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए एक भाषी नियम ही
एकमात्र तरीका है और बच्चों की घर की भाषाओं का उपयोग कक्षा में नहीं किया जाना चाहिए। इस रवैये से बहुभाषी बच्चों के लिए स्कूल में भाषा सीखना कठिन हो जाता है। हाँ, कुछ शिक्षक बहुभाषी कक्षाओं में पाठ्य पुस्तक की भाषा के उपयोग को लेकर काफी दृढ़ हो सकते हैं। स्कूल की भाषा को सिखाने के लिए बच्चे की घर की भाषा को महत्व नहीं देना कभी काम नहीं आता। इससे बच्चे लापरवाही के चलते गलतियां करते हैं, प्रश्नों को समझने में गलतियां करते हैं, भाषा हस्तांतरण के कारण गलतियां होती हैं, और इस प्रकार की सभी गलतियां कक्षा कार्य में उनके आत्मविश्वास को कम करती हैं। बच्चे अपने रोल मॉडल से भाषा सीखते हैं। रोल मॉडल वे लोग होते हैं जो बच्चे को यह सिखाते हैं कि बातचीत, या यूं कहें कि संचार के लिए भाषा का कैसे उपयोग किया जाए और उसके लिए विषय वस्तु को कैसे तैयार किया जाए। रोल मॉडल बच्चे की संचार की विषय वस्तु को प्रभावित करते हैं, उन्हें ये सिखाते हैं कि कब क्या बोलना है। हम जा रहे हैं बाजार? नहीं, हम बाजार जा रहे हैं। जैसे कि जब मैं अपनी कक्षा को प्रकृति की सैर पर ले जाती हूँ, तब मैंने देखा है कि जो बच्चे हमारी यात्रा की शुरुआत में कई पक्षियों के नाम नहीं जानते हैं, वे अपने दोस्तों को देखकर उनके नाम सीखते हैं। बुलबुल, बुलबुल, या एक 7 वर्ष की बच्ची कविता प्रतियोगिता के लिए अपनी बड़ी बहन को अभ्यास करते हुए सुनकर न केवल कविता बल्कि कविता पाठ करने के तरीके को भी सीख सकती है। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। आमों में मिश्री घोली। मेरी भांजी संवाददाताओं के बोलने के लहजे की नकल उतारती है। नासा के रियल टाइम आईज ऑफ द अर्थ ऐप के जरिए दुनिया आपकी उंगलियों के नीचे होगी। दुनिया आपकी उंगलियों के नीचे होगी। बच्चे के जीवन के वयस्क व्यक्ति भी रोल मॉडल के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब बड़े परिवारों में रहने वाले बच्चों के दादा दादी, माता पिता और बड़े भाई बहन जैसे कई पीढ़ियों के रोल मॉडल होते हैं और इसलिए वे अक्सर बहुभाषी होते हैं। संगठित समुदायों में रहने वाले बच्चों के ऐसे पड़ोसी भी हो सकते हैं जो कई भाषाओं में पारंगत होने के कारण उनके आदर्श बन जाते हैं। जिस तरह से भाषा का उपयोग किया जाता है उसे सुनना और उसका अनुकरण करना शायद भाषा सीखने के सबसे प्रभावशाली तरीकों में से एक है। रोल मॉडल वे लोग भी होते हैं जो विशेष रूप से बच्चों को भाषा सिखाने का कार्य करते हैं। शिक्षक अपने विषय के साथ साथ बच्चों को भाषा भी पढ़ाते हैं। इसी वजह से मेरा मानना है कि स्कूल में सभी शिक्षक भाषा के शिक्षक होते हैं। हाथ धोना जरूरी है। हाथ धोना जरूरी है। मैं सहमत हूँ। चाहे हम कोई भी विषय पढ़ाते हों, हम सभी शिक्षक भाषा के रोल मॉडल हैं। एक ऐसे कहावत के बारे में सोचो और हमें बताओ जो तुम घर पर सुनते हो, और फिर हम सभी को उसका अर्थ समझाओ। मैं शुरू करती हूँ। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। ताली एक हाथ से नहीं बजती। अंत में एक बच्चे के जीवन में सबसे प्रभावशाली रोल मॉडल दूसरा बच्चा है। हाँ, शोध से ये साबित हो चुका है कि जिस कक्षा में अधिक से अधिक बच्चे एक भाषा में धारा प्रवाह हो जाते हैं, वहाँ एक लहर जैसा प्रभाव पैदा होता है। ये प्रभाव उन बच्चों की मदद करता है जिन्हें भाषा को समझने में ज्यादा समय लगता है। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ 8 को कौन समझाएगा? मैं। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ 24 को कौन समझाएगा? मैं। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ 52 को कौन समझाएगा? मैं। इस मॉड्यूल का अध्ययन करते हुए हमने जाना कि एक बहुभाषी बच्चा किस तरह से भाषा के संपर्क में आता है। इसमें शामिल है
किन स्थितियों में एक बच्चा भाषा के संपर्क में आता है, बच्चे के आसपास के लोग जैसे कि शिक्षक, माता पिता, भाई बहन और दोस्त भाषा के प्रयोग के मामले में बच्चे के आदर्श होते हैं, ये आदर्श रोल मॉडल भाषा को संचार के लिए किस प्रकार प्रयोग किया जाता है इसे दर्शाते हैं, भाषाई संपर्क कितना हो रहा है ये भी भाषा सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, भाषा की समृद्धता और गुणवत्ता भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षक द्वारा कई अनोखे एवं नए नए शब्दों का प्रयोग बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली भाषाई संपर्क का एक उदाहरण है।